इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में, भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यहीं पर ही बातें बदल रहे हैं, ये यहीं पर ही अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये नारा तो आपके ऊपर फिट बैठता है कि सरकार बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। अगर आप लोग एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला नहीं ले सकते, देश के इतने बड़े फैसलों को कैसे लेंगे आप? आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल जी के केस में आपके जो उनके पीए हैं उनको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज्यादा घोटाला कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में आप लोग बोलते हैं पानी फ्री देंगे, किसका पानी फ्री आ रहा है दिल्ली में आप बता दे, लोगों के 15,000 के बिल आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में एक ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने नेता केजरीवाल को बचाने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रही थी, और केजरीवाल के खिलाफ इतना सबूत मिलने के बाद भी ये उसे बेगुनाह बता रही थी और कह रही थी उसे फंसाया गया है। और इसी के साथ ये बोलते बोलते यहाँ तक बोल गई कि हमारे नेता भगवान से भी ज्यादा ईमानदार है। तो इसी बात पर ऑडियंस इसे अच्छे से धो दिया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में, भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यहीं पर ही बातें बदल रहे हैं, ये यहीं पर ही अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये नारा तो आपके ऊपर फिट बैठता है कि सरकार बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। अगर आप लोग एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला नहीं ले सकते, देश के इतने बड़े फैसलों को कैसे लेंगे आप? आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल जी के केस में आपके जो उनके पीए हैं उनको निष्कासित क्यों नहीं किया गया, पहला प्रश्न। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज्यादा घोटाला कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में आप लोग बोलते हैं पानी फ्री देंगे, किसका पानी फ्री आ रहा है दिल्ली में आप बता दे, लोगों के 15,000 के बिल आ रहे हैं। दो तीन सवाल जो है सबके जवाब, छोटा छोटा। मैं कृष्ण हलदार, सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, हमारा माननीय प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री का दावेदार, आपका इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का दावेदार 10 है, इनके डिसाइड कर लीजिए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी देश चलेगा। हम जब तक ये पार्लियामेंट रहेगा दिल्ली में यहाँ पे, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे 100%। ठीक है, वापस एक एक करके आते हैं। पहला जो स्वाति मालीवाल का सवाल है, आपने भी कहा कि फुटेज में दिख रहा है वो गाली दे रही है, पूरा सीसीटीवी फुटेज आप लोग क्यों नहीं जारी करते? हम ये छोटे छोटे टुकड़े क्यों निकाल रहे? हमने तो जारी किया ही नहीं, ये तो न्यूज चैनल में आपके चैनल पे मैंने देखा। अरे भाई वहीं से रिलीज हो रहा है ना, मैंने आपके चैनल पे देखा, फिर अपनी पार्टी के पेज पे देखा, हमने नहीं जारी किया। पहली चीज, दूसरी चीज, का सीसीटीवी कौन देखा? पूरा फुटेज जारी कर दीजिए ना, होगा ना अंदर वीडियो? नहीं, वकील ने कहा कि ब्लैंक, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताने दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंजना जी, चलने दीजिए, पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए अंजना जी, पुलिस कहानी खत्म हो जाएगी। टीवी यार सब ले गए हैं, निकालने दीजिए उनको, कुछ मिलेगा तो दिखा देंगे, उनके पास सारा कुछ है, इनकी पुलिस है, अब तक कुछ होता वो छोड़ते हमें क्या, बिना सबूत के ले जाते हैं हमें, जवाब दीजिए। दूसरी चीज सुनिए, अभी इन्होंने पूछा प्रधानमंत्री कौन, तो सुनिए, हमारे देश में ना कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं होता था 2014 से पहले तक, देश आगे है। अब ये एक नया फॉर्मूला चला था 2014 के बाद कि व्यक्ति विशेष हो गया, ऐसा नहीं होता, इंसान इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, हम लोग सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे, सब में किसी में दिक्कत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक और लालची नहीं है। गौरव, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये जो भ्रष्टाचारियों को आप लोग गले लगाते हैं, वो भी उत्तर दूंगा, इस पर जवाब बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले पापी आप व्यक्ति विशेष नहीं है, 3 साल का टर्म था कन्वीनर का, 13 साल से अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन व्यक्ति विशेष हम नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद से जेल जाते हैं, कोई पापी आप में अच्छा नेता नहीं मिलता है, सुनीता केजरीवाल आके बैठ जाती है तिरंगे के साथ, लेकिन हम व्यक्ति विशेष नहीं है। और चुनौती देता हूं, 10 सेकंड के लिए जाइएगा जरूर इनके पास, जनता के बीच में एक बार कह दें खालिस्तान मुर्दाबाद, फंडिंग लेते हैं खालिस्तान से, अगर कह दें मैं सैल्यूट करूंगा कि आपकी प्रवक्ता ने कहा खालिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। दूसरी बात आप सुनिए, महंगाई पे सबसे बड़ी बात है, जब यूपीए की सरकार थी तो औसतन महंगाई 8-9% हो गई हो तो थोड़ा चुप हो जाएंगे, थैंक यू। महंगाई औसतन महंगाई 8-9% और 10-13% तक गई, हमारी सरकार में 4.5% है। भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आने की बात करी है, एक ऐसा नेता नहीं है
हेमंत बिस्त शर्मा का सुना रहे मैं उत्तर दे रहा हूँ। अब जनता को के साथ दे रहा हूँ, गलत हो तो कहिएगा अंजना जी, गलत हो तो कहिएगा। बहुत टाइम हेमंत बिस्त शर्मा विटनेस है अंजना जी, हमको भैया क्या करे, वक्त हमारा है, टाइम हमारा है, तो देना ही पड़ेगा। 400 सीटें लाते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है, आप चिंता, आप भैंसों को नहलाइए और चारा खाइए, आप चिंता ना करिए। चलिए सुनिए, हाँ आप मैं आपको सूत्र खोलिए, दीपक जी नहीं मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं प्रश्न कर सकते हैं। ये बार बार सुनीता केजरीवाल जी का नाम लिया, उसका छोटा सा आंसर कि हमारे नेता शादी निभाते हैं बस। देखिए बात है अंजना जी, अच्छा वो सोमनाथ भारती कुत्ते से कटवा रहे थे अपनी बीवी को शादी निभा रहे थे, सोमनाथ भारती कुत्ते से कटवा रहे थे बीवी को शादी निभा रहे मंत्री देश गौरव जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, तो कहते थे जब जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। अभी क्या गिर रहा है, नरेंद्र मोदी जी का मैं कहूँ कि चरित्र गिर गया है देश में, रुपया 84 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। तो जवाब देंगे नहीं दे पाएंगे, तो इनसे आप मत पूछिए कि इन्होंने क्या अच्छे दिन लाए, सिर्फ इन्होंने सपने दिखाए आपको और सिर्फ जुमलेबाजी किया है। एक गाना है ना, हमें तो लूट लिया मोदी जी के नारों ने, अच्छे अच्छे वादों ने और मीठे मीठे जुमलों ने, तो देश को इनके मीठे मीठे जुमलों ने किया है। अरे नरेंद्र मोदी की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करो, 10 सालों में सस्ता है जवाब तो महंगाई का 20 रुपए लीटर पेट्रोल कम मिलेगा, 20 रुपए लीटर डीजल कम मिलेगा, 10 रुपए किलो चीनी कम मिलेगी, 15 रुपए 10 रुपए 15 रुपए किलो चीनी की बात करती थी नरेंद्र मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री है, जब कहते थे आप वोट डालने जाइएगा, कल वोट पड़ेगा पूरे देश में, मैं कहूंगा कि आपके घर में जो सिलेंडर है ना उसको नमस्ते करके जाइएगा और याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे घर में देश में आग लगा रखी है। मंगलसूत्र की बात करेंगे लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन मीट की बात कर लेंगे, मटन की बात करेंगे लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। सत्य प्रकाश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो आपकी सारी परिवारवादी पार्टियां रोजगार ढूंढ, अरे आप तो पलटू राम है, कितनी बार पलटोगे, कभी मोदी की गुणगान करते हो अंजना जी, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी बची है, इनका कुछ बचा हुआ है अस्तित्व, तरीका मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, आपका कोई अस्तित्व बचा हुआ है, आपका कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, चुप तो रहिए, झाड़ मृत्युंजय जी का टाइम खा रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, अच्छा बोलते हैं वो। परिवारवादी तमाम पार्टियां अपने लिए रोजगार ढूंढ रही हैं, जनता के बीच गई हैं। रही सवाल कि क्या देश का आर्थिक विकास हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, कि जो देश पांचवें पायदान पर दुनिया में आर्थिक दृष्टिकोण से पहुंचा है, राष्ट्र का विकास हुआ है। अगर आपको नहीं लगता तो मैं इतना ही कहूंगा, आपके समझ में ना देश है और ना आपके समझ में जनता है। 55 करोड़ अगर जनता का पहली बार खाता इस देश में खुला जिसमें आधी महिलाएं हैं, तो आपको दिक्कत क्या इस बात से, अगर डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी पहुंचा तो आपको दिक्कत क्या इस बात से, राष्ट्र विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जनता रुकी है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जब बीजेपी के नेता प्रवक्ता भगवान को भी मोदी जी का भक्त बता देते हैं, अब इससे ज्यादा उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं। आदरणीय मोदी जी कहते हैं भगवान भेजे हैं उनको अवतार लिए हैं, तो भगवान भेजे हैं बेरोजगारों की फौज बढ़ाने के लिए, महंगाई चरम पर करने के लिए, किसानों की जान लेने के लिए, किसान परेशान है उस पर नहीं बोलेंगे, ये इतना डाटा लाए किताब, लेकिन 20 करोड़ नौकरी पर नहीं बोले, कुछ बोलेंगे उधर उधर की बात खूब करेंगे, पूरा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता का यही हाल होता है, जब भी इन लोगों से सवाल किया जाता है तो यह लोग सवाल का जवाब देने के बजाय कभी पर्सनल कमेंट करती है तो कभी कुछ बोलकर बातों को घुमा देती है, लेकिन कभी भी सीधे सीधे किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, जिस वजह से हर मंच पर ये लोग अपनी बेइज्जती भी कराती है, कभी पैनलिस्टों से तो कभी ऑडियंस से ही, लेकिन ऑडियंस से इतना बेइज्जती कराने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर बार ये लोग डिबेट में आते हैं और वही काम करते हैं, ऑडियंस लड़ने वाला, जिस वजह से अपनी धुलाई कराते हैं हर जगह। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।